हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैं अपने कुछ छोटे से सीक्रेट आप सबको बताने वाली हूँ, जिसके साथ आप लोग रख सकते हैं यंग, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग। सो सबको फेस योगा के बारे में तो यार पता ही होगा। ये आज वाली वीडियो ना यार मैं हिंदी और पंजाबी थोड़ी सी कम बोलूँगी ताकि बहुत सारे लोगों की तरफ जाए और सबको समझ आए, ठीक है। सो फेस योगा मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और आज भी एवरीडे लर्न कर रही हूँ अलग अलग टीचर से, ताकि मैं आपको एक परफेक्ट एजुकेशन दे सकूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी मैं बहुत ही अच्छी टीचर हूँ, बट जो मैंने अपने स्किन के लिए किया है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने पूरे दिन के ना यार बस शाम के, रात के, चाहे आप बोलो मॉर्निंग के 5 मिनट निकालें और अपनी मी टाइम को एंजॉय करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये रूटीन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा बेसिक। सो फेस योगा मैं आपको कुछ 5 से 7 ही स्टेप्स में बताने वाली हूँ जो आप एवरी डे कर सकते हो, मतलब कि रोज़ करना है आपको, चाहे सुबह शाम कर लेना, चाहे सिर्फ शाम को कर लेना, जैसा आपको टाइम मिलता है। प्लीज़ एक बार करना शुरू करो, आप हफ्ते में ही देखोगे बहुत ही आपको अमेजिंग डिफरेंस दिखेगा और ख़ुद को इतना अच्छा फील होगा ना, कुछ कहने के हद में। सो जब भी आपको करना है फेस योगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ड्राई फेस पे बिल्कुल भी आपने मसाज नहीं करनी है। अपने फेस के ऊपर या तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, रात को आप लोग सीरम्स लगाते हो, वैसे मैं सीरम्स नहीं लगाती हूँ, मैं बोलूँगी आप फेस ऑयल यूज़ कर सकते हो। और यार नारियल का तेल ना यूज़ करियो फेस कृपालता करके, कोई भी ऐसा ऑयल जो स्पेसिफिकली फेस के लिए बना है बस वही यूज़ करना। सो सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, एक बेसिक सा मॉइस्चराइज़र बता रही हूँ जो हर एक की वैनिटी में ज़्यादातर होता ही होता है, आप लोग जाके इन्वेस्ट कर सकते हो बायोडर्मा में, इट्स अ थिक क्रीमी मॉइस्चराइज़र। और आपने क्या करना है, जब अगर लगे कि ड्राई है फेस, आप रीअप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र लिया एंड जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई फेस एंड नेक पे भी, नहीं और नेक पे भी करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये बोलने लगी यार मैंने लगा मैं प्रोफेशनल वीडियो बना रही हूँ, मैं थोड़ी जी ना सोफिस्टिकेटेड बन गई सी हंसते हंसते करो यार, मैं साथ तुसी ग्लो करना चाहते हो ना, तो स्माइल इज द बेस्ट वे। जब भी आपने फेस एक्सरसाइज शुरू करनी है, सबसे पहले मैं सबको बोलूँगी कि फेस का जब भी स्टार्ट करना है ना, थोड़ा सा फेस के ऊपर टैपिंग ज़रूर करें, ताकि फेस को भी पता चल जाए कुछ आप यू नो यू गोइंग टू स्टार्ट अ योगा थिंग, राइट। सो सबसे पहले हम लोग टैपिंग करेंगे। सो टैप योर फोरहेड 30 to 60 seconds, आपकी मर्जी है जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। देन आईज के अराउंड, देन चीक एरिया, माउथ एरिया, नेक। ओके, सेकेंड स्टेप मैं बोलूँगी पिंचिंग। पिंचिंग मैंने अभी रिसेंटली यू नो सीखी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छा चेंज देखा है विद इन अ वीक। सो आपको पिंच करना है योर फोरहेड, जो सबसे ज़्यादा टारगेट एरियाज होते हैं वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सेकेंड्स कर सकते हैं। देन अराउंड योर आई एरिया, चीक्स। मैं यहाँ पे बहुत करती हूँ, मेरे टारगेट एरियाज मुझे ये वाले लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत किया। And the forehead area. And then we're going to start with the face yoga. So, सबसे पहला step आप ये वाला जो होता है point armpits के around softly आपने 40 to 60 seconds के लिए बहुत ही soft pressure से आप करोगे massage. And second step है आपका, आपने करना है अपने neck को softly massage just 2-6 times here and drag it down. And then I'm doing 6 times here. And drag it down. Now, I'm just going 1, 2, tuck it, stretch it, come down, and open your eyes. Now I'm going to start it with my chin. So, सबसे पहले आपने क्या करना है? मैं ऐसे बनाती हूँ, and I'm just going to drag it back. 1, 2, अब 6 to 10 काउंट्स तक आप लेके जा सकते हो, जैसा आपको लगे बेटर। जो मैं सेकेंड स्टेप बता रही हूँ आपको, आपको ये वाली चीज़ को वो फोकस करेगा और आप ये वाली चीज़ को फोकस करेगा, तो मैं दोबारा से वही सेम 1, 2, 3।
सो इससे क्या होएगा, आपकी ये जो लाइंस है इस पे एंड आपकी जो ये बोन है इसके अराउंड आपने करना है नीचे की तरफ, ठीक है। ये भी आप 6 to 10 काउंट्स कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है ये मैं सारे ने बोलूँगी, प्लीज़ बहुत ही सॉफ्टली करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि आँखों की बात आ जाती है। मैं हर एक को यही बोलती हूँ, मैंने बहुत बार ना गलत स्टेप्स किए होंगे लाइफ में। सो जब तक समझ आई तो बाद में समझ आया कि आईज़ के अराउंड बहुत ही सॉफ्ट रखना है प्रेशर। तो मैंने ऐसे होल्ड किया अपने आईज़ को, सी मैंने प्रेस किया एंड वेरी सॉफ्टली गोइंग अप एंड ड्रैग इट डाउन। कीप इट वेरी सॉफ्ट, ऐसा नहीं करना खिंच खिंच के, कीप इट वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट हम करेंगे अपने फोरहेड की लाइंस के ऊपर फोकस। गो अप अप अप, जी आप करोगे 10 टाइम्स। एंड नेक्स्ट स्टेप मैं बोलूँगी आईब्रोज के भी, यहाँ पे यू जस्ट नीड टू प्रेस इट। आपने क्या करना है, प्रेस इट, गो अप, आईब्रोज को साथ लेते हुए गो बैक 5 to 10 टाइम्स। सेम फोरहेड की एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ जो मैंने बहुत बार की है, गो लाइक दिस। इससे आपकी लाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सो ये कुछ फेस एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग अपने फेस के लिए कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस दिखेगा। एंड दैट्स इट। लास्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टैप माई फेस, स्टार्टिंग इट फ्रॉम द फोरहेड, देन द आईज, द नेक, फोरहेड एंड द हेयरलाइन। सो हर एक चीज के आप लोग काउंट कर सकते हैं, 5 काउंट से स्टार्ट करना। जो लोग बहुत ही बिगनर्स हैं यार, सिर्फ 5 काउंट हर चीज के, 5 काउंट्स। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो 5 to 10 काउंट्स तक कर सकते हो। आईज़ के लिए कीप इट 3 to 5 काउंट्स, ठीक है। आप मॉर्निंग इवनिंग ये सेम रूटीन एवरी डे कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है देन इवनिंग में ही कर लो। इतना भी कर लोगे ना यार, हफ्ते में आप लोग बहुत ही अच्छा चेंज देखोगे अपनी स्किन में। आपको ऐसा लगेगा यार कि मेरी स्किन नरिश लग रही है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा यू नो शाइन कर रही है। सो डेफिनेटली मैं बोलूँगी फेस योगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक के लिए, चाहे गर्ल्स हो या आप बॉय हो, इट डजंट मैटर यार। आप ये वाले स्टेप्स कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी टाइम यूज़ कर सकता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि मेरी बहुत एक्सट्रीम हुडेड आइज थी, उसको कैसे मैंने इम्प्रूव किया, यू नो मेरी डबल चिन थी और मैंने क्या क्या किया इसको इम्प्रूव करने के लिए। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि असी सानू इदा लगे कि हाँ भी बहुत सारे होर लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं। सो मैं अपनी और न्यू टेक्निक्स के साथ आऊँगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही वीडियोज़ को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बहुत बहुत सारा शेयर करें हमारे चैनल को। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वीडियो, नहीं तो मैं मस्ती बहुत मार दिया यार हर वीडियो, मैं चाहती सी सिंसेरिटी के नाल मैं तुहानूं ये सारा कुछ समझावां, ताकि तुसी एक्चुअल दे विच शुरू करो। तुसी ये ना सोचो ये मजाक है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इदा कुछ नहीं होंदा, मैं अपनी स्किन दे विच बहुत अच्छा चेंज देखा। सो मैं चाहती हूँ तुसी भी अपनी स्किन च बहुत ज़्यादा चेंज देखो। सो प्लीज़ जाके रूटीन जरूर फॉलो करना एंड मैंने अपडेट जरूर देना थोड़ा किद्दा लगे। और मैंने थोड़ा सा तो यार सबको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत ही प्रोफेशनल एक परफेक्ट टीचर हूँ, बट इन चीज़ों ने मेरी स्किन को किया है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। और बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछे मैम तुम्हें वेट लॉस किया है, बट तुम ऐसा की किया अपनी स्किन पर कि यार तेरी स्किन बहुत अच्छी लगती है। सो यही एक चीज़ है, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताती रहूँगी कि मैंने फेस योगा में और क्या क्या किया है, बट एक सिंपल सी रूटीन आज बता दी है, जाके जरूर फॉलो करो। टिल देन लव यू ऑल, बाय।